सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा सरकार के 100 दिन के कार्यकाल एजेंडा के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें नई शिक्षक भर्ती के सवाल पर माननीय शिक्षा मंत्री संदीप जी ने क्या कहा आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों, लगातार आप लोग नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर क्या कह दिया आप देख सकते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि दोस्तों, इस साल भी शायद ही शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिले। इन्होंने क्या कहा देखिए, फिलहाल इस वर्ष हम शिक्षकों के समायोजन करके शिक्षक छात्र अनुपात ठीक करेंगे, अगर उसके पश्चात आवश्यकता होगी तो नई शिक्षक भर्ती पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है आप लोग सुन सकते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए उन्होंने क्या कहा है। और दोस्तों, अगर इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से बोला जाएगा कि अभी हम विचार करेंगे, अभी हम शिक्षकों का समायोजन करेंगे, उसके बाद हम शिक्षक छात्र अनुपात को ठीक करेंगे, फिर कहीं हम अगर हमें जरूरत होगी तब हम नई शिक्षक भर्ती करेंगे। और आप सभी लोगों को ये बात स्पष्ट रूप से पता है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 1.25 लाख पदों पर 1.25 लाख पद जो शिक्षकों के हैं वो खाली हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि अभी नई शिक्षक भर्ती का कोई भी प्रकरण नहीं है। तो इस तरीके से इस साल भी कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है कि नई शिक्षक भर्ती आएगी। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करते रहिए, जो भी परीक्षाएं आए उनको आप जरूर दीजिए, क्योंकि अभी शिक्षक भर्ती के भरोसे बैठना केवल और केवल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपना समय बर्बाद करना ही होगा। तो आप लोग अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को सुपर टेट एग्जाम की वीडियोस मिल जाएंगी, तैयारी कैसे करनी है। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी नई शिक्षक भर्ती थोड़ी दूर है, लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो तैयारी बेहतर होगी। तो आप लोग सुन सकते हैं माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने क्या कहा है, तो आप लोग उनको जरूर सुनिए। यहाँ पर आपको पूरा वीडियो मैं सुना रही हूँ, आप देखिए। पे हम सब लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों का जो अनुपात है, पहले एक बार हमारे शिक्षकों का अनुपात बराबर हो, सारी जो वास्तविक स्थिति है उसको देखते हुए आगे अगर इस तरह की कोई स्थिति निकल करके आती है कि शिक्षकों की और हमको आवश्यकता है, तो उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम सब लोग शिक्षकों की नियुक्तियों को करने का भी इस पे सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपने वीडियो को पूरा सुन लिया होगा, और अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है हम आपको तुरंत बताएंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको हमारी और भी वीडियोज मिल जाएंगी, सारे वीडियोज को आप देख सकते हैं। जहां से बने रहिए और जहां कहीं कोई भी समस्या हम बताते रहिए। जय हिंद।